नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे हांगकांग की। जी हाँ, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हांगकांग। दोस्तों हांगकांग जो है वो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए बहुत मशहूर है। दोस्तों यहाँ पर 14-15 मंजिल तक की कम से कम 8,000 इमारतें हैं, और हांगकांग जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक कोवलून पेनिनसुला और दूसरा है न्यू हांगकांग आइलैंड। दोस्तों हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी के मुकाबले 9 रुपए की है, मतलब उनके हमारे 9 रुपए और उनका हांगकांग 1 डॉलर। दोस्तों हांगकांग का भी टाइम डिफरेंस हमारे मुकाबले 2.5 घंटा आगे है, जैसे कि हमारे यहाँ अगर 9 बज रहे हैं तो वहाँ 11:30 बजे होते हैं। दोस्तों हांगकांग के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पूरे साल ही मौसम थोड़ा ठीक ठीक ही रहता है। दिन में थोड़ी गर्मी होती है, बट 4-5 बजे के बाद शाम को मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है। दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़ और इंग्लिश। दोस्तों 2016 तक अगर आप हांगकांग जाते थे तो किसी भी पेपर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस जाते थे और पासपोर्ट में स्टैम्प लगती थी और आप इमिग्रेशन क्रॉस करके अंदर पहुंच जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। 2016 के बाद एक आपको अपने देश से यहाँ से चलने से पहले प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको एक इमिग्रेशन हांगकांग इमिग्रेशन से एक लेटर रिसीव होगा वो लेकर आपको हांगकांग की यात्रा करनी है साथ में। और जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप उस पेपर को दिखाएंगे, उसके बाद ही आपको अलाउड होगा। दोस्तों हांगकांग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जिसका कारण है कि वहाँ के लोग भी 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। और आप टूरिस्ट हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप पहले जाते ही एयरपोर्ट पे या कहीं भी 7-Eleven या कहीं भी आपको एक ऑक्टोपस कार्ड मिल जाएगा। ऑक्टोपस कार्ड वो ले लीजिए, वो आपका बस में भी यूज़ होगा और मेट्रो में भी यूज़ होगा, बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपको महंगा पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भारतीय हैं तो कोशिश करिए कि हांगकांग में जहां आपको रुकना है उस जगह का नाम है सिमसा सुई। जी हां, सिमसा सुई। यहां पर होटल्स भी हैं इस एरिए में और गेस्ट हाउस भी हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो 5-star 4-star कौन सा होटल लेंगे, बट होटल बहुत महंगे हैं। और अगर आप अकेले हैं या कोई आपका बिजनेस टूर है तो कोशिश करिए कि सिमसा सुई में एक मेंशन है चुंगी मेंशन। जी हाँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है दोस्तों चुंगी, और चुंगी मेंशन इसको बोलते हैं, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स ही शॉप्स हैं। कोई सिम बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, करेंसी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स, जहाँ मोस्टली आपको बांग्लादेशी, इंडियंस और पाकिस्तानी मिलेंगे। बट ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग है और उन पे छोटे छोटे से गेस्ट हाउस बने हुए हैं। दोस्तों एक 6x6 या 8x8 का आपको बस खाली छोटा सा रूम 1,500-2,000 रुपये तक का मिलेगा, जिसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। बट हांगकांग में ऐसा ही है, अगर आप 8-10 हज़ार रुपये एक दिन में खर्च करना चाहते हैं तो फिर आपको होटल लेना पड़ेगा। दोस्तों चुंगी मेंशन में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, जिससे कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हैं, इंडिया बात कर सकते हैं और नेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ डाटा भी रहता है। और काफ़ी सारे फ्लोर्स पे छोटे छोटे से इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही फूड अवेलेबल हो जाएंगे आराम से। दोस्तों हांगकांग में अगर आपके पास चाइनीज़ वीज़ा है और आप चाइना जाना चाहें तो आप लो बॉर्डर पे जाके आराम से चाइना में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मकाओ जाना हो तो बाय फेरी मकाओ ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि ऑन अराइवल वीज़ा है मकाओ में। दोस्तों अगर आपको हांगकांग में शॉपिंग करनी है तो आप मॉन्गकॉक जाएँ, इसके अलावा लेडीज़ मार्केट जाएँ,
और अगर आपको नाइट लाइफ का शौक है तो LKF चाहें, लैन क्वाई फोंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों घूमने के लिए हांगकांग में बहुत कुछ है, जिसमें मशहूर डिज्नीलैंड, विक्टोरिया पीक, लानताओ आइलैंड, ओशन पार्क, पीक ट्रैम और बिग बुद्धा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।